मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टूडेज अवर टॉपिक मैगनीटिजम एंड गॉस लॉ। तो अज अपने को वीडियो मैगनीटिजम एंड गॉस लॉ ने रिलेटेड स्टडी करा। तो फर्स्टली की क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैगनीटिजम द नेट मैगनैटिक फ्लक्स फाई बी थ्रू एनी क्लोज सर्फिस इज ऑलवेज जीरो। तो कहने मैगनीटिक गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अपने को जो मैगनैटिक फ्लक्स होंगे किसी भी क्लोज सर्फिस ऑलवेज की होंगे अपने को जीरो होंगे गा। द लॉ इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ मैगनैटिक फील्ड लाइन लीविंग एनी क्लोज सर्फिस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैगनैटिक फील्ड लाइन एंटरिंग इट। तो कहें उन्होंने की किया, कहें क्लोज सर्फिस कोई भी लिया उस अपने को लाइनस जो लीव करनगियाँ वो इक्वल होएगा कि लाइन उस एंटर करनी पैन। सपोज अगर उस अपने को 10 लाइनस एंटर कर दें तो 10 लाइनस ही अपने को जो सर्फिस है उसनों लीव करनगियाँ। दैन सपोज अ क्लोज सर्फिस एस इज हैल्ड इन अ यूनिफॉर्म मैगनैटिक, अपने को क्लोज सर्फिस एस ले लिया जो अपने को यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड बी वैक्टर के है। कंसीडर स्मॉल वैक्टर एरिया एलीमेंट डेल्टा एस वैक्टर ऑफ दिस सर्फिस। तो अपने को जो टोटल सर्फिस एस है उस अपने को एक स्मॉल एरिया वैक्टर ले लिया अपने को डेल्टा एस। मैगनैटिक फ्लक्स थ्रो दिस एरिया एलीमेंट इज डिफाइंड। तो मैगनैटिक फ्लक्स जो डेल्टा फाइव बी इक्वल होगा बी वैक्टर डॉट डेल्टा एस वैक्टर समिंग ऑल ओवर स्मॉल एरिया एलीमेंट। तो अपने को पहला एक डेल्टा एस से ले लिया, अगर आप ऑल के उपर लें तो उसकी इंटीग्रेशन होएगी और जो आप कह सकते हैं समीशन होएगा सम अप होएगा और वी अपटेन नेट मैगनैटिक फ्लक्स थ्रो सर्फिस फाइव बी इक्वल टू समीशन ऑल डेल्टा फाइव बी इक्वल टू समीशन ऑल बी वैक्टर डॉट डेल्टा एस वैक्टर इक्वल टू की आएगा अपने को जीरो। बिकॉज आप फस्ट डेफिनेशन रीड किया जो मैगनैटिक फ्लक्स होएगा किसी भी क्लोज सर्फिस जीरो होएगा। स्टार्टिंग आप सपोज किया कि अपना एरिया एलीमेंट है स्मॉल है, बट उन्होंने कहता इफ एरिया एलीमेंट आर रियली स्मॉल एक्चुअल स्मॉल है वी कैन री राइट दिस इक्वेशन एज। तो आप डेल्टा एस डी एस के नाल जो डिनोट करांगे तो फाइव बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑन क्लोज सर्फिस बी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल्स टू जीरो अपनी सैकेंड इक्वेशन होगी। दैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद गॉस लॉ इन इलैक्ट्रोस्टैटिक। तो फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर से इलैक्ट्रोस्टैटिक वाला उस इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फिस एस इज गिवन रिजल्ट फाइंड किया जो फाइ इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन अपने को सर्फेस के उपर ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड इक्वेशन है वेयर अपने को क्यू नॉट क्यू की अपना इलेक्ट्रिक चार्ज है इनक्लोज्ड बाय द सर्फेस। देन अपने को इफ इलेक्ट्रिक डायपोल वर इनक्लोज्ड बाय सर्फेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इन द डायपोल एड अप टू जीरो होना। कहते अपने को इलेक्ट्रिक डायपोल है उस सर्फेस के इनसाइड अगर अपने को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ने अपने को सपोज कर ले भी फाइव चार्ज पॉजिटिव ने फाइव नैगेटिव ने तो जो टोटल अपना एड करते जीरो आएगा। Therefore, phi e would be zero आएगा। The fact that phi b equals to zero indicate that the simplest magnetic element is a dipole or current loop। तो अपने को phi b equal to zero कदों आएगा जब अपना magnetic element है जो वो dipole की form में है और अपने को current loop है। Secondly, the isolated magnetic poles called magnetic monopole are not known to exist। कहते अपने को कदे भी monopole means single pole exist नहीं करेगा। अगर अपने को single pole है तो अपना जो phi e है वो कदे भी zero नहीं होगा। देन ऑल मैग्नेटिक फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल और अ करंट लूप। तो कहते जो भी मैग्नेटिक फिनोमिनाज ने उन्होंने आप एक्सप्लेन करांगे मैग्नेटिक डायपोल और करंट लूप सी फॉर्म दे विच। देन गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म एस्टैब्लिश दैट फर्स्ट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल कॉल्ड मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। तो फर्स्टली गॉस ने अपने को की कहता कि कदे भी अपने को मोनोपोल मीन सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा इन मैग्नेटिज्म। देयर इज नो काउंटर पार्ट ऑफ आइसोलेटेड फ्री चार्ज इन इलेक्ट्रिसिटी। तो सैकेंडली उन्होंने कहता काउंटर पार्ट मीन सेम। तो कहते कोई भी अपने को फ्री चार्ज है उसका सेम अपने को जो चार्ज है मैगनेटिज्म फाइंड नहीं हो सकता। थर्ड वन इज मैगनैटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। तो उन्होंने की कहता जो मैगनैटिक पोल्स ने अपने को अनलाइक होंगे मीनस एक पोल अपना एन आर सैकेंड एस सी में अपने को मैगनेट एन और एस की फॉर्म के है वो अपने को एस एस के बीच भी कदे नहीं हो सकता और अपने को एन एन भी कदे नहीं हो सकता। जो एग्जिस्ट करेगा तो अनलाइक पेयर के और इक्वल स्ट्रेंथ अगर एन की अपने को एम स्ट्रेंथ है तो एस की स्ट्रेंथ भी किन्नी होगी अपने को एम ही होएगी। देन अपने को दस कॉरसपोंडिंग टू इक्वेशन थ्री ऑफ गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी कैन विजुअलाइज इक्वेशन टू एस। तो कहते थर्ड इक्वेशन आप अगर देख के चलिए तो अपनी जो सैकेंड इक्वेशन फाइव बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑन क्लोज सर्फिस बी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल्स टू
म्यू नॉट एम प्लस म्यू नॉट माइनस एम इकल टू जीरो। तो उत्थे जो अपने को एक दी एम स्ट्रेंथ ले ली अपने को एन पोल दी और माइनस एम अपने को स्ट्रेंथ ली हुई है एस पोल दी सेम मैगनेट। दैन म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट मैगनेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।